रखड़ पुण्या के अवसर पर सियासी पार्टियों ने राजनीति करते हुए जमकर भड़ास निकाली। इस अवसर पर कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल व आम आदमी पार्टी के स्टेज लगाए गए और एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष किया। बाबा कह कह जब
देखो जी कैप्टन साहब मुख्यमंत्री बनने तो बाद एक दिन सिर्फ आए ने साढ़े चार महीनों च और एड्डी वड्डी इतिहासिक कॉन्फ्रेंस है इतिहासिक मेला है उत्थे भी नहीं आए। शहीद ऊधम सिंह जी की बरसी सुनाम दे विच सरकार हर साल मनाउंदी है जो भी मौजूदा मुख्यमंत्री हुंदा उस वेले दा तत्कालीन वह आंदा उत्थे भी नहीं गए किते भी वह तो सिर्फ जिहड़ा दिल्ली जां हिमाचल दीआं पहाड़ियां च किते रहन बसेरा कर रहे ने। सो कल्ले वह मुख्यमंत्री नहीं हैगे होम मिनिस्टर भी उही ने। जे पुलिस किसी नूं जवाब दे तो कैप्टन साहब ते कैप्टन साहब खुद नज़र नहीं आउंदे ते बहुत सारे इदां दे महकमे जिहड़े ने वह कैप्टन साहब ने अपने कोल रखे हुए हैं जिहड़े बहुत इंपोर्टेंट ने। पंजाब का खेतीबाड़ी मंत्री कौन है जी इस वक्त? पंजाब का स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है जी इस वक्त? कोई नहीं, वो उन्हां कोल ही ने। इट मीनस 70% जिहड़ी सरकार है उन्होंने बाबू चला रहे हैं अफसर चला रहे हैं कैप्टन साहब गायब ने। तो जे चाहता है पंजाब कैप्टन की सरकार कंधा ते लिखा सी तां लोग इसलिए कल नूं लिखण ते मजबूर होणगे। चाहता है पंजाब कैप्टन साहब दर्शन दे जो एक बार। सो तुसीं जे नहीं तुसीं अच्छा हजे तक मिनिस्ट्री नहीं बने इन्होंने कैबिनेट नहीं बनाई पूरी। जो कैबिनेट मीटिंग होंगी है पत्रकारों को अगे जाके फोटो खिंचनी पैंदी है क्योंकि चार पांच ही ने उत्थे मुक जांदी है कैबिनेट मीटिंग जिहड़ी है। देखो जे सिद्धू साहब केबल के मुद्दे पर कुछ करना चाहते हैं एक्शन क्यों नहीं होंगे उन्होंने कहने पर भी नहीं जो होंगे फिर इतों तो सिद्ध होंगे कि आपस रले हुए ने कैप्टन साहब तो बादल साहब। सो इस करके मैं चाहूँगा कि पंजाब के जोड़े इस वक्त मुद्दे ने उन्होंने किसानी है उन्होंने दलित गरीब खेत मजदूर मर रहे हैं गैंग आपस लड़ाइया चल रही ने छोटे छोटे भी बाई बाई साल के मुंडे आपस पिस्तौलो पिस्तौली खेडी जाते हैं इन्हों सारे शह दी हुई है इन्होंने। सो इस करके अमन कानून की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। पानी दे टैंकियां तो उवें जिवें फिर बेरोजगार चढ़ के नारे ला रहे हैं हुण कहिंदे टैंकियां नूं असीं कंडियालियां तारां नाल ढक दांगे यह हल नहीं हैगा। कैंसर ते आयोडैक्स लाउण नाल कैंसर नूं फर्क नहीं पैना कीमोथैरेपी करनी पऊगी। सो यह जिहड़ी स्यौंक है वह जड़ां च लगी हुई है स्परे पत्तियां ते हो रही है। यह पंजाब दे विच उही हालत ने जिहड़े पहलां सीगे सिर्फ उही है भी हुण सुखबीर बादल विरोधी धिर च जबर विरोधी रैलियां करन लग गया पहलां ही कम कांग्रेस वाले करी जांदे हुंदे सी। इक जिमनी चोणां आ रहीयां गुरदासपुर दीआं नगर पंचायतां दीआं कारपोरेशन दीआं जोर शोर ना लड़ांगे जी सारिया चोणा लड़ांगे मुख्य विरोधी पार्टी है और साड़ी माझे की टीम बहुत तगड़ी है और बहुत जोर शोर ना पहला भी लड़े हैं तो गुरदासपुर की जिमी चो लड़ांगे नगर निगम लड़ांगे नगर कौंसल सरपंची जो भी आऊगा आम आदमी पार्टी पूरे तैयारी नाल और पुरानिया जिहड़ियां कोई गलतियां भी रह गईयां होणगीयां उन्होंने। देखो सब तो पहला तो असीं गुरु तेग बहादुर साहब की इस पवित्र धरती नतमस्तक हुए हैं लामिसाल कुरबानी दुनिया च उन्होंने उन्होंने असीं सल्यूट किया सारी पार्टी ने और अज जिहड़ा पक्ष का मसला है वह हैगा वा जिहड़ी किसान ते खेत मजदूर आत्महत्या कर रुक नहीं रही। कैप्टन साहब कहिंदे सी कि मेरी सरकार बन लैण दिओ उड़ीक लो इंतजार कर लो लेकिन और लोगों ने कुछ समा शायद कोई भरोसा भी किया पर जदों की सरकार बनी होर तेज़ हो गई हद तो उदों होगी चनारथल पिंड तीन मेल मैंबर से तिने ही आत्महत्या कर चुके हैं और यदा मैं समझदा वा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिहड़ा ये सो कॉल्ड लोन वेवर दिता वह बिल्कुल एक कोझा मजाक है इट्स अ बंडल ऑफ लाइज वो कुछ नहीं गा लोगों वो भरोसा ही नहीं बजा इसीलिए किसान आत्महत्या कर रहे ना। असी कल जा रहे हैं असी आम आदमी पार्टी के साडे प्रेजिडेंट भगवंत सिंह मान और MLA राजपाल पंजाब कोल असी ये कहन जा रहे हैं कि जिदा का वातावरण बन गया है तो समाजिक चुनौती बन गई है और असी उन्हां तों ये मंग कर रहे हैं कि स्टेट की कैबिनेट एक साल वास्ते मोरेटेरियम बुलावे लोन ते इंटरस्ट की रिकवरी ते उहदे नाल की कर्नाटका ने लाया से 2013 च बहुत भारी सोका आया सीगा उहदे नाल की होगा कि किसानां नूं ब्रीदिंग स्पेस आएगी साह आएगा कि साडियां फोटोआं नहीं लगणगियां बैंकां च साडी बेइज्जती नहीं करनगे वह मायूसी तो निकलणगे बाहर एक साल नाले सरकार सोच लवे ते नाले किसानां नूं मौका मिल जाए तो असीं आपां खेती च लोग संकट नूं क्योंकि जब तक किसान खेत मजदूर दलित गरीब आदमी इत्थे दरड़िया रहेगा पंजाब कभी तरक्की दे राह ते नहीं चल सकता। दूसरी गल नशे और नशियां दा एक अमरिंदर सिंह जी कह रहे ने असी लक तोड़ दिता लेकिन उन्हां दी पार्टी दा MLA सुरजीत सिंह धमान अमरगढ़ तो कह रहा है कि पंजाब दे विच नशे 15 दिन थोड़े डरे सी लोकी माफिया लेकिन हुण चिट्टा शरे आम मिलदा कांग्रेस दा MLA कह रहा और अज लोगों ने इत्थे हथ खड़े करके कहा कि पंजाब दे विच नशे की पोजिशन। सो साडे जिहड़े बर्निंग इशूज ने वह बेरोजगारी टैंकियां ते चढ़ के बच्चे अज हुण सुहाणे पिंड की जिक्र किया मान साहब ने टैंकी के थल्लों सप्लाई कट दी मारने ने बच्चे अपने जद पोस्टा खाली ने टीचर्स दियाँ दैन वाई आर यू नॉट गिविंग दैम जॉब्स तुसीं कहा सी हर घर में नौकरी। इस तरह ही जो पंजाब की अराजकता फैली है लॉ एंड ऑर्डर हैगा गोलियां चल रही ने गैंग बन गए ने कभी सुनया नहीं सी पंजाब दे विच इदा बिहार बहूर का सुनते सी असीं और पादरी मारे जा रहे हैं
और बैंकां लुटियां जा रही ने, ATMs लुटे जा रहे हैं। जो कुछ हो रहा पंजाब दे विच ऐ लगता कि पंजाब विच सरकार नहीं बदली, पग्गां दे रंग बदले ने, झंडियां दे रंग बदले ने, ते कार्यशैली ते नेता ते नीयत ते नीति ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੁਕੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀਆਂ MLAਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗਰੀਬਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁਟਕਲ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਿਲ ਨੋਟ ਦੇਰ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋਗੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ, ਤਕੜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਸੇਜ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ NRIs ਨੂੰ ਲਾਈ ਆ ਕਿ 50 ਲੱਖ NRI ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ